दोस्तों, कैसे आप सब। आज की जो ये वीडियो है, एक तरह से ब्लॉग की तरह ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज एनवायरमेंट डे है और आज मेरा बर्थडे भी है। सो मैं इस बिहाफ पे इस वीडियो को बना रहा हूँ। और आज ही मैंने एक डिसीजन लिया है कि आज के बाद, जब मेरा आज के दिन बर्थडे आएगा हर साल, तो मैं एक पेड़ लगाऊंगा। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि इन पेड़ों की वजह से हमारा जीवन है आज की डेट में, जो हमें ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। शायद अगर ये जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ, जो प्रण मैं ले रहा हूँ, जो मेरा आइडिया है, ऐसे सारे लोग भी अगर इसे करें तो शायद हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ेगी। कि अगर मैंने ये सोचा है कि आज मैं एक पेड़ लगाऊंगा, एक प्लांट लगाऊंगा, और ये हमेशा हर साल मैं लगाऊंगा, जिस जगह पे भी रहूंगा, जहां भी रहूंगा, हर साल मैं एक पेड़ लगाऊंगा अपने जन्मदिन के दिन पे, तो उससे होगा क्या कि हर साल एक पेड़ लगेगा मेरे जन्मदिन पे। मैं खुद लगाऊंगा, चाहे जहां भी हूँ वहां पे लगाऊंगा, और ये हमेशा लगाऊंगा। मैं कोशिश यही करूंगा कि हर बार मैं उस अपने बर्थडे वाले दिन ये एक इसी तरह की वीडियो शूट करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैंने कहां ये पेड़ लगाया है, कैसा पेड़ लगाया है, कौन सा प्लांट मैं आज जो है लगाने वाला हूं। तो इस तरह की वीडियोस मेरे चैनल पे हर बार आपको मिलेगी मेरे बर्थडे वाले दिन। तो आप भी ये कर सकते हैं कि अगर सोचिए आपके, अगर मेरी एज जो भी है आज की डेट में, और मैं हर साल अगर मैं 60 साल का भी हो जाऊंगा, तो 60 साल तक मैं रेगुलर पेड़ लगाऊंगा, तो कितने पेड़ लगेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी लगा सकते हैं। आप अगर ये मेरा आइडिया आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट में मुझे बताएं। और आप क्या बर्थडे वाले दिन अपने करना चाहते हैं यार? केक वगैरह तो देखो सभी लाते हैं, एक दूसरे में बांट के खाते हैं, मतलब केक कटेगा तो सभी में बटेगा, वो तो खैर आप लोग जानते ही हैं। तो ये मेरी बहुत सारे लोगों ने मुझे विश भी किया, उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही सुबह से, मतलब रात से ही मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए थे। सो ये कैसा आइडिया आपको लग रहा है मुझे बताना। और मैं अभी लगाता हूँ पेड़ वगैरह, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आज एक तुलसी का पौधा भी मैं लगाने वाला हूँ, और एक अशोक का जो पेड़ होता है वो भी मैं लगाने वाला हूँ। तो चलो दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा खोद लेते हैं मिट्टी को, और फिर इसी में ये पौधा लगेगा तुलसी का। तो ये तुलसी का पौधा फाइनली लग चुका है। अब इसमें पानी गिरने की जरूरत नहीं है, काफी हद तक मिट्टी ऑलरेडी गीली है, क्योंकि मैंने पहले पानी ऑलरेडी इसमें मिला लिया था मिट्टी में। तो अब इसमें पानी गिरने की हमें जरूरत नहीं है, ऐसे ही तैयार हो जाएगा और अभी घुल मिल जाएगी इसमें मिट्टी है। और जो इसकी मिट्टी है ऊपर से थोड़ा सा हम गिर देते हैं पोलोथीन जिसमें था पौधा। अब हम लगाएंगे पेड़, ये तो पौधा था, अब हम लगाएंगे पेड़, ठीक है। सो गाइस, अब हम लगाएंगे पेड़। ये है हमारा पेड़, ये अशोक का पेड़ इसे हम कहते हैं, और ये अभी बहुत छोटा है, अभी ये बढ़ेगा तो काफी बड़ा हो जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए अब इसे हम लगाते हैं, ठीक है। तो इसे लगाने से पहले हमें करनी पड़ेगी काफी हद तक खुदाई, तो पहले खुदाई कर लेते हैं फिर ये लगेगा। सो फाइनली हमने काफी हद तक खोद दिया है, अब हम पेड़ को पॉलिथीन से बाहर निकाल के इसमें लगाने वाले हैं। गाइस, जो इसमें मिट्टी होती है वो इसे साथ के साथ देनी होती है पौधे को,
उसमें क्या होता है कि इसी में अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह की इसकी मिट्टी है। अब इसे मैं चाहूँ तो पॉलिथीन के साथ ही रख सकता हूँ, अदरवाइज इसे मैं वैसे निकाल के ही लगाने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादा ठीक रहेगा। ये हमने ऐसे किया और ये जो मिट्टी है इसके हम चार तरफ से भर देते हैं। तो फाइनली पौधा हमारा लग गया है, अब पानी देंगे इसको हम। ये साइडों से हम इसकी वो बनाए थे एक दीवार, जिससे कि अगर हम इसमें पानी दें तो वो थोड़े समय के लिए स्टोर हो सके। यार एक दिन तो माली का काम कर ही सकते हैं, सारी ऑक्सीजन जो प्योरीफाई होके हमें मिलती है वो इन्हीं की वजह से मिलती है। तो मैं तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि बर्थडे वाले दिन आप भी एक प्लांट तो ज़रूर ही लगाएं। सो हम देंगे इसे पानी, इन्हीं की वजह से यार हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। पूरा फुलफिल कर देंगे इसे काफ़ी हद तक, इसे हम पूरा फुल करेंगे। और इसे थोड़ा सा इस तरह से हम कर देंगे जिससे कि मिट्टी ना जम जाए। जम जाएगी तो ये होगा क्या कि ये फिर यहाँ पे पानी ना अच्छे से स्टोर हो जाएगा वैसे। सो गाइस फाइनली प्लांट वगैरह सब लग चुका है, अब मेरा हो गया नाश्ते का समय। सुबह से यही मैं लगा हुआ हूँ, मैं यही सब करने में लगा हुआ हूँ और फ्रेश रेस हुआ सब, पूजा पाठ मतलब सब कुछ करने के बाद में अब फ्री हो गया हूँ मैं फाइनली। अब होगा नाश्ता। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये आइडिया आप ज़्यादातर लोगों में शेयर कर ही सकते हैं। आप भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप भी आपके बर्थडे के लिए पहले से ही मैं आपको विश करता हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू, एंड इस तरह का आइडिया आप भी अपने माइंड में रख सकते हैं। कुछ मतलब स्पेशल करना है अपने बर्थडे के दिन, केक तो सभी काटते हैं उसमें क्या स्पेशल है ना। सो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।